देख रहे चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूँ नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। सरकार द्वारा गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं के मुंह पर तमाचा मारती कुछ तस्वीरें जनपद जालौन के डीहा गांव से सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आपका मन विचलित हो सकता है। डीहा गांव में स्थित अस्थाई गौशाला में कहने को तो बहुत बहुत व्यवस्था मौजूद है, लेकिन असलियत में यह मौत की गौशाला साबित हो रही है। यहाँ गौवंशों के लिए ना तो भोजन है और ना ही पीने के लिए पानी। अगर पानी है तो इतना जहरीला हो गया है कि इसे पीते ही गौवंश उल्टियां करने लगते हैं। पिछले दो दिनों में यहाँ करीब दो दर्जन से अधिक गौवंश की मौत हो गई है। गौशाला में चारों ओर मृत पड़े गौवंशों को कौआ और कुत्ते नोच नोच कर खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इतने सारे गौवंश में मौत के बाद स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार सरकार द्वारा चलाई जा रही करोड़ों रुपए की परियोजना में रुपया आखिर किसकी जेब में चला जाता है और क्यों नहीं होती है जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई। जालौन से संवाददाता राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट। आप आज जो गांव गाय मरी पड़ी हैं इनका आप निरीक्षण करने आए हैं, क्या पाया आपने? अच्छा, मैं डॉक्टर सचान पशु चिकित्सा अधिकारी नदी गांव। जैसे सूचना मिली हमको तो क्या यथास्थिति जो भी है उसका निरीक्षण किया। तो यहाँ पर एक मरघट का स्थान जिसको कह सकते हैं, मरघट ही है, लोगों से पता भी चला। तो यहाँ ये गोवंश लगातार छोड़े जा रहे हैं। उनको देखने से लगता है कि अभी दो दिन से, अभी ताज़ा नहीं, एक दो दिन का, दो दिन से लेकर डेढ़ दो माह तक के यहाँ पर गौवंश अवशेष हैं। एक दो मैंने देखा जो पड्डा, मतलब भैंस का भी है, वो भी पड़ा हुआ है, और कुछ के गले में जैसे रस्सी है। तो अभी ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा कि गौवंश है कहाँ। कितने गौवंश हैं यहाँ पे? आई थिंक करीब 27 गौवंश हैं जो मैंने काउंट किए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये है कि जो गौशाला में जो गायें जो होती हैं उनमें टोकन होता है। हाँ, यस, टोकन होता है। और ये भी जरूरी नहीं कि सारे गौशाला में जो बंद जो गायें हैं उनमें सारे का टोकन हो, कुछ का नहीं भी है। तो ये ऐसा तो नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ से संबंधित हों आपकी गौशाला से? नहीं, अब ये तो निरीक्षण चल रहा है, तहकीकात की जा रही है कि अब असली चीज़ निकल के आएगी सामने, क्या है इनका संबंध गौशाला से है या नहीं है। क्योंकि दो गौशाला पड़ती है, एक मातवानी की भी है, दूसरी तरफ दिया भी है। ग्रामीणों के द्वारा एक वीडियो इसका वायरल किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि ये जो है गौशाला की ही गौवंश है सारे। हाँ, ग्रामीण तो ये बता रहा है, जितने लोग यहाँ पर आए उन्होंने यही बताया। अब बाकी जब मैं मौके पर देख, ग्रामीणों ने आपको क्या बताया? ग्रामीणों ने यही बताया कि ये तो गौशाला संबंधित है। और यहाँ पर जैसे मैं खुद में देख रहा हूँ, अवशेष में गले में रस्सी बंधी हुई है, एक गोबर से बढ़िया दुधारू।